हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोवा। मैं गोवा में हूँ, नॉट किडिंग, सीरियसली। देखो मौसम, देखो, एक्चुअली आई एम किडिंग, आई एम नॉट इन गोवा, आई एम इन माई ओन केबिन, लुक एट दिस। लेकिन मौसम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, तो दिस इज माई केबिन एंड यहाँ पे मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ, यहीं पे मैं हूँ। बस मैंने पहना है कुछ ऐसा है कि गोवा में लग रहा हूँ। तो अगर इसी तरह के मौसम में आपको अगर जाना है, इसी तरह की जगह के वे आपको अगर जाना है, तो IITs आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू बी। बहुत बढ़िया मौसम, बढ़िया आर्किटेक्चर, हर हर बिल्डिंग एक टाइप, अलग अलग ही टाइप, ह्यूज कैंपसेस, बहुत सारी ग्रीनरी हर तरह की, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और प्रोफेसर बढ़िया, लेबोरेटरीज बढ़िया, मस्त लाइफ यार। हॉस्टल्स बढ़िया, वहीं रहो, मस्त खाना खाओ, सो जाओ, काम करो, बढ़िया लाइफ। और ये लाइफ अगर पाते हो, पाना चाहते हो, तो गेट तो हो चुकी है भैया, लेकिन अभी एप्लीकेशंस अच्छे से करने पड़ेंगे, स्मार्टली करने पड़ेंगे, और अभी विजुलाइज करना पड़ेगा कि हाँ हमको पहुँचना है, पेशेंस रखना पड़ेगा सबसे इम्पोर्टेंटली। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये जो पोर्टल है, कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल, कोप, इसके बारे में बता पाओ। तो ये जो पोर्टल है, इस पर कई बार लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इनको ये लगता है कि वहाँ पे हमें एप्लीकेशन करना है। नहीं, वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है, सिर्फ आपको वैकेंसीज दिखती हैं। इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, ये काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार कोप है क्यों फिर, एप्लीकेशन नहीं नहीं करना है तो। मेरे टाइम पे होता था कि हमको हर जगह पे, हर वेबसाइट पे जाके अप्लाई तो करना ही पड़ता था, लेकिन हमें एट द सेम टाइम ये भी नहीं पता चलता था कि कितनी जगह है और क्या एडमिशन्स शुरू हो चुकी हैं या नहीं। तो पहले तो ये देखो कि भैया हर जगह वहाँ पे जाओ, सबसे पहले देखो कि कितना एडमिशन है। हर डिपार्टमेंट का ओपन अलग अलग डेट पे होता था, हर हर डिपार्टमेंट की सीटें अलग होती थी, हर डिपार्टमेंट का कुछ अलग ही रूल रहता था। और एक बात तो यार ये होती थी कि जब अप्लाई तो कर दिया है और अभी रिजल्ट आ गया, कहीं पे आप सेलेक्ट हो गए, तो ये भी नहीं पता चलता था जब तक आप वो विजिट नहीं करते वेबसाइट। आपको बहुत कम टाइम ऐसे होता था कोई इंस्टीट्यूट ने ईमेल कर दिया, बहुत ही कृपा होती थी। तो यार ये बहुत ही मुश्किल था, और इसलिए फिर कोप की वजह से ये सारा स्ट्रीमलाइन हो चुका है। तो आपको एक ही पेज पे सारी डेट्स दिख जाती हैं कि आपको वैकेंसीज कितनी है और कौन सी डेट्स हैं उनके लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, आपको एक ही पोर्टल पे सारे रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको हर IIT की वेबसाइट विजिट करके फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि दो जगह हुआ है तो फिर कहाँ एडमिशन लेंगे। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था, वेबसाइट्स क्रैश कर जाती थी कभी कभी, काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। अब ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो अभी यार आप एक काम करो, सबसे पहले कोप की वेबसाइट पर जाओ। अभी अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है, अभी भी फ्लैश कर रहा है कि ओपन हो जाएगा, थर्ड या फोर्थ वीक हो जाना चाहिए, वैसे कभी भी हो सकता है ओपन रजिस्ट्रेशन। आपको कुछ डिटेल्स वहाँ पे भरनी पड़ेंगी, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, गेट स्कोर, गेट रजिस्ट्रेशन। आप सबसे पहले वेबसाइट विजिट करो, एक बार खुद को अवेयर करो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक लाइव सेशन हो जाए, जब मैं कोप के थ्रू गुजरूँगा और सबको बताऊँगा कि हर चीज़ क्या है। बट सबसे पहले आपको भी वहाँ से कुछ पढ़ना ज़रूरी है कोप की वेबसाइट पे जाके, तो आप अभी के अभी जा सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। और हम जल्दी ही ये लाइव सेशन करेंगे, उसके बाद IITs के एप्लीकेशन प्रोसेसेस स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल IIT बॉम्बे के MTech के एडमिशन प्रोसेस, MS, ड्यूअल डिग्री MTech, PhD, ये सारा स्टार्ट हो चुका है। IIT मद्रास का भी स्टार्ट हो चुका है, IIT कानपुर का भी मैंने देखा, वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी धीरे धीरे सारे इंस्टीट्यूट्स के एप्लीकेशन पोर्टल्स ओपन होने लगे हैं। तो ऑलरेडी ये आप करो कि एप्लीकेशन करना शुरू कर दो, जहाँ जहाँ आप एप्लीकेशन कर सकते हो। हर जगह पे पिछले सालों में लोएस्ट गेट स्कोर दे रखे हैं कि कौन से गेट स्कोर पे लास्ट एडमिशन हुई थी, उस हिसाब से आप गेज कर सकते हो कि क्या आपका नंबर लग सकता है या नहीं। रेफरेंस वही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं रहता गेट के स्कोर में। तो वो गेट स्कोर देखो, उस गेट स्कोर में से 100 100 कम करो, और अगर आप उस गेट स्कोर में आप बैठते हो तो अप्लाई कर दो। ठीक है, हम जल्दी सारे IITs के ब्रोशर्स में से गुजरने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
लेकिन आप मुझे प्लीज़ बताओ कि अगर आपको ये करना है, नहीं तो। और बहुत सारे लोग मुझे गेट्स कोर्स के भी बारे में पूछ रहे हैं, उसके लिए भी मैं एक क्विक वीडियो बना लूँगा। आपको थोड़ा आपके नर्व्स काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? उस पर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। तो अभी के अभी आप कोप पे जाओ, थोड़ा पढ़ाई कर लो उसकी। कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और चिंता मत करिए, ठीक है? पेशेंस रखिए, सब बढ़िया हो जाएगा। ऑलराइट, जल्दी ही मिलेंगे। बाय द वे, दिस इज़ एन एट शार्प प्रोडक्शन और मेरा नाम है देवाशीष। वैसे कुछ पार्ट मैंने वीडियो का सुबह 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 शूट किया था, और अभी बचा हुआ रात में शूट किया, थोड़ा सा बिजी चल रहा था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, बट सी यू सून। तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए।